हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं मेरे पास ये प्रिंटर आया हुआ है। ये मॉडल है G2000। और इस प्रिंटर का एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है गाइस कि इसमें जो प्रिंट आउट नहीं लेता है, मतलब पेपर आ जाता है, पेपर ट्रे से आती है, लेकिन इसमें कोई भी प्रिंट नहीं होता, पेपर के अंदर प्रिंट नहीं होता, यानी ब्लैंक पेज प्रिंट होता है। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए कस्टमर ने हमारे पास ये प्रिंटर छोड़ के गया है। तो मैं इसको सबसे पहले चेक किया था कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो चेक करते करते मैं चेक देख पाया कि इसका जो प्रिंटर हेड है वो स्टक हो जाता है। तो प्रिंटर हेड को स्टक की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आपके इस वाले पत्ती से, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकोडर। ठीक है गाइस, तो ये इनकोडर को आपको साफ़ कर लेना है। मैंने साफ़ करके दोबारा से जैसे ही चलाया तो ये प्रिंटर के जो हेड की स्टक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अगर तब भी नहीं हो, अगर इनकोडर को साफ़ करने के बाद, तो आप एक बार जो है प्रिंटर को रीसेट कर लेंगे। तो मैं आपको अपनी मेरी चैनल पे आपको रीसेट प्रिंटर का जो है 2000 प्रिंटर की रीसेट करने की जो है फॉर्मूला वो मैं आपको बता दिया है। आप रीसेट कर लेंगे, रीसेट करने के बाद फिर उसके बाद आप चलाएंगे तो प्रिंटर चलने लगेगी। तो जैसे ये प्रिंटर चलने लगा, मैंने एक पेज प्रिंट किया, इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ गाइस। तो जब कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ तो मैं समझ गया कि इसकी हेड जो है उसको क्लीन करना पड़ेगा। उससे पहले मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि यहाँ पाइप के अंदर कोई भी इंक नहीं है। तो पाइप के अंदर इंक नहीं है तो सबसे पहले हमें पाइप के अंदर इंक डालना पड़ेगा। पाइप के अंदर इंक डालने के लिए जो है आपके पास जो टैंकी होती है, टैंक जो होती है, उसकी दोनों ढक्कन को आप ऊपर कर ले, यानी जैसे ऊपर करते हैं तो पाइप का जो कनेक्शन होता है हेड के साथ वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। मतलब जैसे इसकी कवर को ओपन करते हैं, टैंकी के कवर को, तो वो आपकी पाइप को जाम कर देता है वहीं पर। तो जाम करने से क्या होता है, एयर लेने का चांसेस कम होता है। तो इस तरह से दोनों साइड के मैंने ढक्कन को उठा लिया है और मैं इसकी हेड को ऊपर कर लिया हूँ इस तरह से पकड़ के। और उसके बाद फिर मैं एक सिरिंज लूँगा और सिरिंज से मैं पाइप को जो है उस पर इंक डालूंगा, मतलब इंक डालूंगा नहीं, खींचूंगा तो अपने आप पाइप इसके अंदर इंक आ जाएगा। उससे पहले देख लें कि हेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, तो मैं इसको पहले क्लीन कर लूँगा, हेड को क्लीन कर लूँगा। मैं एक कॉटन कपड़ा लेता हूँ और कॉटन कपड़े से मैं हेड को क्लीन कर लेता हूँ यहाँ पर। पर ये थोड़ा सा नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदगी लगी थी इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इंक इसके अंदर लगा हुआ था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक कपड़ा लिया और कपड़े से मैं इसको बढ़िया से साफ़ कर लिया। और साफ़ करने के बाद मैं एक बार साफ़ कर लेता हूँ इसको थोड़ा बढ़िया से। तो जैसे कि देख रहे हैं, मैं अभी साफ़ कर रहा हूँ जहाँ पे हेड की जो कनेक्शन है वो लगती है, वहाँ पे भी आपको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पे हल्का सा भी इंक लगा रहता है तो आपका प्रिंटर में जो कनेक्शन है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा और उससे आपके प्रिंटर भी ख़राब ज़्यादा हो सकती है और उससे जो है आपको दिक्कत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए बेटर है कि जहाँ कनेक्शन लगी होती है हेड की, उसको आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से साफ़ कर ले, पानी वानी थोड़ा सा कपड़े से भिजा ले, और अगर इंक नहीं निकल रहा है तो उसको बढ़िया से साफ़ कर ले। तो मैंने ये कलर वाले हेड को साफ़ कर लिया था। नेक्स्ट मेरा था ये ब्लैक वाला हेड, मैं इसको भी बढ़िया से कपड़े से साफ़ कर लिया हूँ, साफ़ कर लेता हूँ। और जिस तरीके से मैं साफ़ कर रहा हूँ गाइस, आपको भी इसी तरीके से साफ़ करना है। थोड़ा सा ही हल्का हल्का ही जहाँ पे इंक निकलता है वहाँ पे हल्का हल्का ही हाथ रख के आपको साफ़ करना है। तो इस तरीके से मैंने दोनों ही जो है हेड साफ़ कर लिया है। और फिर मैं अब क्या करने वाला हूँ कि पाइप के अंदर जो इंक नहीं था उसे मैं डालने वाला हूँ। तो पाइप के अंदर इंक डालने के लिए आपको एक सिरिंज की ज़रूरी होती है। आप एक सिरिंज ले लेंगे मेडिकल हॉल से, जैसे कि मेरे पास ये वाला है। मैं इसको इसके अंदर पुश कर लूँगा और पुश करने के बाद मैं आप खींचूँगा यहाँ पर। तो जब भी आप खींचेंगे ना तो ये आएगा नहीं। इसका कारण होता है कि जो ये जो हमने इसकी जो इंक टैंक की जो टैंक की जो कवर उठा कर रखा है वो उसको जाम कर रखा है। तो इसको एक बार बंद कीजिए फटाक से और एक बार ऑन कीजिए फटाक से। ठीक है, बंद ऑन कीजिएगा तो क्या होगा कि जो इंक है वो हल्के हल्के स्पीड में आ जाएगा, और आ जाने से क्या होगा कि फिर वो आपके पाइप में रह जाएगा। अगर आप बंद करके पूरा खींच लेंगे फिर बंद किया हुआ ही रहेगा तो फिर इंक जो है वापस उसी जगह पे चले जाएगा, यानी टैंक के अंदर चले जाएगा। तो सिरिंज से करने का यही एक तरीका है कि आप उसको बंद करके खोलिए, फिर खोल के बंद कीजिए फटाफट। तो इससे क्या होगा कि आपका इंक वो पाइप के अंदर रह जाएगा और आपके पास जो इंक एक्स्ट्रा आएगा गाइस उसको जो है आप ब्लैक वाले इंक के अंदर डाल देंगे, चाहे वो कलर हो या ब्लैक हो, किसी भी कोई भी इंक अगर एक्स्ट्रा आपके पास इसके अंदर आ जाए सिरिंज के अंदर, तो वो आप इसके अंदर डाल देंगे, ब्लैक इंक टैंक के अंदर डाल देंगे, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक रहेगा। तो ब्लैक के अंदर आ गया, फिर मैं इसी तरीके से सबके अंदर डाल दिया था गाइस, देख लीजिए आप, भर दिया मैंने सारे इसमें। और ये जो कवर है दोनों को एक साथ बंद करेंगे जब तक आप हेड वगैरह लगा के इसको कम्प्लीटली पैक नहीं कर देंगे। उससे पहले आपको ये कवर टैंक का जो कवर है इसको आप नहीं बंद करेंगे। पहले मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर लेता हूँ हेड्स वगैरह को। हेड्स वगैरह इंस्टॉल करने के बाद अब मैं इसके अंदर का कवर लगा दूंगा, हेड का कवर। जैसे मैं हेड का कवर लगा दूंगा फिर ये मैं प्रेस कर लूँगा, उसके बाद ही मैं टैंक का जो कवर है वो बंद करूँगा दोनों को एक साथ। एक एक करके भी कर सकते हैं लेकिन बेटर है कि दोनों को एक साथ करें। तो दोनों को एक साथ मैंने कर दिया है यहाँ पे कवर, और उसके बाद फिर मैं एक बार प्रिंट यहाँ पे देख के चेक करूँगा। तो एक बार मैं यहाँ पे प्रिंटर को ऑन कर लेता हूँ। ओके, ये प्रिंटर ऑन हो चुका है, मैंने पेज प्रिंट में डाल दिया है
पर देख रहे हैं गाइस इसके अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। आप लोग मेरे चप्पल की तरफ ध्यान ना दें, आप यहाँ पे पेश की तरफ ध्यान दें। तो यहाँ प्रिंट नहीं होने के कारण है कि मेरा जो हेड है वो स्टक है अभी भी, उसके अंदर जो है इंक है वो फ्लो नहीं हो पा रहा बराबर, तो उसको हम लोग जो है क्लीन करेंगे। तो इसके लिए कंप्यूटर पर अपना कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेना आपको, और कनेक्ट करने के बाद इसका जो ड्राइवर इंस्टॉल किए हैं वो ड्राइवर के अंदर चले जाना है, और चले जाने के बाद इसका जो प्रिंटर का जो है ये प्रेफरेंस ओपन कर लेना आपको। ओपन करने के बाद मेंटेनेंस के अंदर जाएंगे, और मेंटेनेंस के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर डीप क्लीनिंग में जाना है, और इसके अंदर का जो ब्लैक और ऑल कलर वाला जो क्लीन होगा उसको क्लिक कर देना है आपको। जैसे क्लिक कर देंगे आपका ये क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं स्पीड बढ़ा दिया हूँ यहाँ पर वीडियो की, ताकि आपको जल्दी जल्दी ये दिख जाए, और लगभग 9x बढ़ाया मैंने। तो ये अभी क्लीन हो रहा है, प्रिंटर जो है क्लीन हो रहा है। तो तब तक गाइज़ आप हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, पर कोई जो हमारे व्यूअर्स है वो ज़्यादातर व्यूअर्स 99% व्यूअर्स जो है वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, ये क्लीन हो चुका है, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया है पर यहाँ पे जो है कॉपी नहीं हुआ गाइज़। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो पेज था वो उल्टा किया हुआ था, इसको मैं सीधा करके दोबारा से कॉपी में डालूंगा। और दूसरी बात की गाइज, जैसे कि मेरे यूट्यूब पे जो है वो रीयूज का कंटेंट आ रहा है, मैं यूट्यूब से बोलना चाहूँगा कि मैं वॉइस ओवर करके वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ जो रीयूज का कंटेंट का जो एरर आ रहा है, जो अभी मैसेज आ रहा है, उसको प्लीज़ रिमूव कर लीजिए, क्योंकि मैं ओरिजिनल वीडियो बनाता हूँ, मैं वॉइस ओवर करके बनाता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने फिर से प्रिंट किया उसको पेज को पलटा के, तो जैसा कि देख रहे हैं हल्का हल्का प्रिंट यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब हेड जो है वो क्लीन हो चुका है, लेकिन पूरा कम्प्लीटली क्लीन नहीं हुआ है। तो इसको मैंने 3-4 बार फिर से जो है क्लीन करना है। ओरिजिनल जो हमने कॉपी करने के लिए दिया था ये वाला, पर प्रिंट हुआ है ये वाला, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक बार बढ़िया से इसको क्लीन करना पड़ेगा, नहीं 3-4 बार क्लीन डालना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर। तो काफ़ी क्लीनिंग जो है मेरे पास ये वाला जरूर आया था, बहुत बढ़िया क्लीन आया था।